हेलो डियर लिब्रा, सो लेट्स सी कि 2025 ईयर में आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों कैसी रहने वाली है। तो आपका जो भी नेम इनिशियल हो या डेट ऑफ बर्थ हो, अगर आपकी जोडियक साइन लिब्रा है तो आप देख सकते हैं। और जेंडर चाहे आपका कुछ भी हो, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, LGBTQ कम्युनिटी कोई भी है, सोल है, ये मैटर करता है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्ड्स मैंने लिए आपके लिए, और भी मैं 3 कार्ड्स लूँगी। सबसे पहली बात, आपके लाइफ में मटेरियल गेन बहुत होगा, ठीक है। आपके लाइफ में पावर अथॉरिटी भी आते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ज़बरदस्त मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एनर्जी को क्लेम कीजिए 11-11 लिखकर, या रेड सन लिखकर, या रूबी लिखकर, ठीक है, ओके। सबसे पहली बात देखिए, सभी लोग अपने लाइफ में चाहते हैं कि मेरे लाइफ में पैसे हो, अबंडेंस हो, ठीक है, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, लोग मुझसे प्यार करें, लोग मुझे समझें। तो दो चीज़ एक साथ हो रहा है, पहले आपको पावर मिल रहा है, पावर मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, अच्छा जॉब आपका लग सकता है। तो अच्छी जॉब जब आपको लगेगी, मिलेगी, तो ऐसा होगा कि पावर मिलेगा, पावर मिलेगा अच्छे जगह पे, पॉलिटिक्स में भी आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो पावर मिल रहा है और मटेरियल गेन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ। और उसके बाद सेकेंड, जब आपको अबंडेंस या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स मिलेंगे, तो लव एंड रोमांस का मिलेगा, मतलब आपकी लव लाइफ भी अच्छी हो रही है और आपका रोमांस भी आपको मिल रहा है, ठीक है। करंट अगर आपका कोई रिश्ता है तो उसमें भी आपका रोमांस वगैरह मिल सकता है और लव लाइफ आपकी ब्यूटीफुल हो सकती है, मतलब रिश्ता सुधर सकता है। अगर ऐसा हो सकता है कि आप शादीशुदा हैं, ठीक है, और आपके पर्सन आपको नहीं प्यार करते हैं, नहीं समझते हैं, तो वो प्यार करने लगेंगे, रोमांस अचानक से डेवलप हो जाएगा। ये सब 2025 की बात हो रही है। दूसरा यहाँ पे आपका है विक्ट्री की एनर्जी, जो भी काम में हाथ लगाओगे वो आप सक्सेसफुल देख पाओगे कि सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है, वो सारे काम सक्सेसफुल होंगे, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, हेल्थ साथ आपका देगा, तो आप जो है अपने सारे काम को पूरा करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वीकेंड पे भी घूमने फिरने को जाएंगे, या फिर 2025 में आपके पास बहुत ही फ्री टाइम होगा, तो आप अच्छे अच्छे प्लेसेस पे जाया करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है, समुद्री इलाका, कोस्टल एरियाज हो गया, ठीक है, तो अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, या सोलो ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। तो आप एक्चुअली में 2025 में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, घूम फिर कर भी जी रहे हैं, लेकिन जी तो रहे हैं। उसके बाद अगर आप कोई काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो आप चाहते हैं कि अब तो थोड़ा मेरा प्रमोशन हो जाए, ठीक है, तो प्रमोशन आपका हो रहा है, पैसे जो है वो आपके बढ़ रहे हैं, इंक्रीमेंट, लेकिन हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी बढ़ जाएगी। जहाँ भी आप काम करते हैं, जहाँ भी आप वर्क करते हैं, तो पैसे बढ़ेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बढ़ेगी ना, तो यस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रहे हैं, पावर भी बढ़ रहा है, प्रमोशन भी हो रहा है और पैसे भी बढ़ रहे हैं। देखिए, इन सारी चीज़ों को क्लेम करिएगा, मैं आपको बताऊंगी कैसे। सबसे पहले एक बात बता देती हूँ कि फेमिनिन एनर्जी, मतलब आपकी खूबसूरती भी बहुत ही ज़्यादा निखर रही है। ऐसा नहीं कि आप खूबसूरत नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप सेटल हो, अब आप शादी करना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है या फिर अच्छी नहीं है, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी 2025 में, फिर आपका मन करेगा कि अब मैं सेटल हो जाऊँ, शादी कर लूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रपोज़ल बहुत मिलेंगे। अगर आप यंग हो, आप सोच रहे हो कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है, तो प्रपोज़ल फिर भी मिलेगा, प्रपोज़ल को रोकने वाले नहीं है, प्रपोज़ल आपको मिलते ही रहेगा। कुछ मैरिज का प्रपोज़ल हो सकता है, कुछ रोमांटिक प्रपोज़ल हो सकता है, कुछ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप का प्रपोज़ल हो सकता है, कोई डायरेक्टली आपको शादी का कमिटमेंट दे दे, ऐसा हो सकता है, करंट रिलेशनशिप में आपको मिल जाए प्रपोज़ल, ये सब चांसेस है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए आप सभी लोग, लिखिए आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स, ठीक है। होता है ना कि मुझे इतना मिला उतना मिला, नापा जा सकता है कुछ लोगों का ब्लेसिंग्स, लेकिन आपको इतने ब्लेसिंग्स मिलेंगे कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते। क्या आपको इतना ब्लेसिंग्स चाहिए, तो कमेंट में लिखिए आप सभी लोग ये अफर्मेशन, आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स, आई चूज प्रॉस्पेरिटी ओवर फेलियर। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई एम प्रिपेयर टू टेक एडवांटेज ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड टू मी, क्योंकि 2025 में आपको ग्रेटेड बहुत सारे ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, तो उसको पाने के लिए या उस अपॉर्चुनिटी से ग्रेटेस्ट एडवांटेज उठाने के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। कमेंट में ये भी लिखिए आई विल नेवर गिव अप ऑन माई गोल्स एंड ड्रीम्स, आपको गिव अप करना भी नहीं है। अभी तक आपने सोचा होगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं गिव अप कर रही हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा रुक जाइए,
2025 में आप हो जाएंगे, आपका गोल पूरा होगा, आपके ड्रीम पूरे होंगे। फेथ एंड पेशेंस आपके अंदर बहुत कम है, ये चीज़ आपको रखना चाहिए। और फेथ और पेशेंस जो है जितना रखोगे उतना आप सक्सेसफुल होंगे। आपकी जो भी सोच है वो मेटलाइज हो रही है, मतलब जो आपको चीज़ें चाहिए, जो आपकी बेसिक नीड्स है, जैसे अपना घर हो गया, अपने खर्च उठाने हो गए, वो सब आपके पूरे हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ के जो रियल प्रिंस है, जो प्रिंसेस है, वो नॉक नॉक कर रहे हैं, आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे न्यू थिंग्स तो होगा ही होगा, ये भी है, तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया, एक बार और बताती हूँ यहाँ पे क्या है। आपका जो लव लाइफ है अब बहुत सक्सेसफुल होगा। आपने बहुत सारे लव लाइफ देखे, बहुत सारे लव लाइफ में आप जाकर ट्राई किए, लेकिन कभी कोई लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन आगे आने वाले टाइम में जिसके साथ भी होगे, उनके साथ सब कुछ सिमिलर सिमिलर होगा, इसलिए लव लाइफ भी सक्सेसफुल होगा, रिलेशनशिप में बहुत हार्मनी होगी। और सबसे अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि जिसके साथ आपकी शादी हो रही है, रिलेशनशिप में आ रहे हो, वो आपकी उतनी रिस्पेक्ट करेंगे, उतनी कदर करेंगे जितना आप कर रहे हो। मतलब म्यूचुअल म्यूचुअल हो सकता है, ठीक है, और इक्वालिटी हो सकती है। और हेल्दी आप रहोगे, कमेंट में लिखिए, आई एम हेल्दी, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी थिंग, आई एम गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू माई गोल। अब देखिए आपके लिए मंथ या कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे आपके लिए 2025 में बहुत सारे हैप्पीनेस है। 2025 में क्या है, गॉड प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जून का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये सब जब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मटेरियल गेन हो गया, पावर हो गया, रोमांस हो गया, ये सब जून में मिलेगा आपको। अक्टूबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए। मई भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा 2025 का आपके लिए। फरवरी भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा 2025 का, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। 2025 में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग इवेंट्स आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। 2025 में बहुत सारे इवेंट्स होंगे, अच्छे अच्छे इवेंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है निगेटिव फोर्सेस भी बढ़ सकते हैं, निगेटिव चीज़ों से थोड़ा बचिएगा, ठीक है। अब देखिए न्यू जॉब न्यू करियर आपको 2025 में मिलेगा। अगर आप किसी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इस बार जॉब मिलेगा या नहीं, कुछ लोगों का हो सकता है 2024 में ही मिल जाए, लेकिन एक अच्छा एक ड्रीम जॉब न्यू करियर 2025 में आप शुरू कर रहे हैं, मतलब मिल रहा है। और हैप्पीनेस की बात की जाए तो ग्रेट हैप्पीनेस आपको मिल ही रहा है, ठीक है। और देखते हैं दिस वन, एक बात यहाँ पे जान लीजिए कि अगर कोई भी ओल्डर पर्सन, कोई बड़े पर्सन आपको एडवाइस दे रहे हैं, कोई पढ़ा लिखा पर्सन आपको एडवाइस दे रहा है, तो उसका सुनिए, उसको समझिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कोई अगर आपको एडवाइस दे रहा है तो इग्नोर ना करें, उनके बातों को सुनिए समझिए, क्योंकि उनकी एडवाइस आपको बहुत आगे लेकर जा सकती है। अब और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, क्लैरिफाई कर लेते हैं सारे कार्ड को। प्रेगनेंसी की न्यूज़, बर्थ कंसेप्शन, आपको ये भी गुड न्यूज़ मिलेगा, आपके घर में जो चाहते हैं उनको ही मिलेगा, ठीक है। रोमांस इज इन द एयर, बहुत रोमांटिक आप होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप खुद बहुत रोमांटिक हो रहे हो। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आपके कुछ दुश्मन भी पनप रहे हैं, और ये दुश्मन जो है आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको बुरी चीज़ों में फंसा सकते हैं या ब्लेम लगाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये जो दुश्मन होंगे ना आपको आपके, ऐसा नहीं कि इस दुश्मन को आप पहचान नहीं पाएंगे, एक नज़रों में आप पहचान लेंगे कि मेरे दुश्मन है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप उनको मतलब भाव देंगे, वैल्यू देंगे और टाइम देंगे, तो ये आपकी गलती होगी। इसलिए अपने दुश्मन से आप कोई कनेक्शन मत रखिएगा। अब उसके बाद और भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बहुत सारे आपको मिलेंगे 2025 में, ठीक है। 2025 में आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, और कैसे रहोगे 2025 में, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। समवन न्यू इज़ कमिंग 2025 में, ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आएगा जिसका एज 28 हो सकता है, आप भी 20s में ही हो सकते हो। अपने माइंड अपने हर्ट को ओपन रखिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस आ रहे हैं। आपको पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन, वैसे आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता करना क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जितने आपके अंदर की क्रिएटिविटी है, बस उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, उस क्रिएटिविटी को एक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, आपकी लाइफ ज़बरदस्त हो जाएगी, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। जाते जाते अफर्मेशन कीजिए, आई एम एनफ, आई एम कैपेबल, आई एम वर्दी, आई लव माई बॉडी, आई एम इन अ गुड मूड,
आई कैन अचीव माई गोल, आई कैन अचीव एनी गोल। ठीक है, तो ये आपका झलक है 2025 के लिए, अफर्मेशन भी बता दिया। पर्सनल डे के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल अनिंस्टा आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल अनिंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पे आप लोग रीडिंग ले सकते हैं। सो बाय, टेक केयर।